आज सारा संसार भौतिक विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। आज स्कूलों में हर एक विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाते। उसके पीछे अनेक सारे कारण हो सकते हैं, या तो उन विद्यार्थियों को जो विषय है वह रुचिकर नहीं है, या तो विषय रुचिकर होते हुए भी उस विद्यार्थी को उस विषय में पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। यदि पढ़ने की इच्छा भी होती है तो उस विषय को वह अपनी बुद्धि के अंदर रख नहीं पा रहे हैं या उसको बार बार भूल रहे हैं। उसके लिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ करके यदि हम उस कार्य को संपन्न करते हैं तो वह कार्य जल्दी से प्रगतिशील मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त कराने वाले होती है। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, अतः रात्रि को लगभग 8, 8:30, 9 बजे के बीच में सो जाना चाहिए, और सुबह 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में उठ करके यदि हम थोड़ी देर ध्यान करके परमात्मा का चिंतन करके यदि हम अपने विषयों का स्वाध्याय करेंगे, उसको याद करेंगे, तो वह विषय हमारे लिए जल्दी से एकाग्र मन होने के कारण से, ब्रह्म मुहूर्त में जो वातावरण है वह एकाग्र होने के कारण से, वह जो हमने पढ़ा हुआ जो विषय होता है वह सहर्षपूर्वक हम उसको अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। उसमें कोई हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं होगी, उसको हम सरलता से उसको हम याद कर सकते हैं। इस कारण से प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिसको स्मरण शक्ति की कमी है उनके लिए प्रमुख प्राणायाम है, जैसे शीत ऋतु है तो उस समय चंद्रभेदी प्राणायाम करें, जैसे गर्मियों का समय है उस समय सूर्यभेदी प्राणायाम न करके चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। बाएं नासिका से श्वास लेकर के दाएं नासिका से जो श्वास की जो गति होती है उसको जो छोड़ना होता है उसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है, और जो दाएं नासिका से जो श्वास लेकर के बाएं नासिका से जो छोड़ते हैं उसको सूर्यभेदी प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें शरीर में गर्मी बढ़ती है, जो अंदर के जो विकार होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। और आगे है कपालभाति, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है। सबसे उत्तम प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, अपने अंदर श्वास को भर करके उस वायु को बाहर निकाल करके हम जितने देर तक अपनी श्वास को रोक सकते हैं उतने समय तक उसको रोक करके रखें। उसके पश्चात 4-5 बार लंबी गहरी श्वास लेकर के फिर दोबारा उसको क्या करें, फिर से उसी क्रिया को करें, ऐसे कम से कम 4-5 बार करें, जिसको बाह्य प्राणायाम कहा जाता है। इससे भी हमारी बुद्धि बढ़ती है, आँख की रोशनी बढ़ती है, शरीर के अंदर जो थकावट है वो दूर होती है। इस कारण से इत्यादि क्रियाओं को करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न भारकारी। तात्पर्य क्या है कि जो हमने जो विद्या ग्रहण कर लिया है उस विद्या को उसमें कोई भार नहीं है। हम कोई सामान को उठा करके चलेंगे तो उसमें भार होने से हम इतना अधिक भार नहीं उठा सकते हैं। इस कारण से विद्या में कोई भार नहीं है। जब हमारी जो विद्या है जब हम उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो उससे क्या होगा कि मनुष्य जीवन जो सफल करना है वो विद्या के द्वारा ही होता है। क्योंकि इस संसार के अंदर दो प्रकार की विद्या है, एक पराविद्या है एक अपराविद्या है। इस कारण से हमें दोनों विद्याओं का अपने जीवन में धारण करना है, भौतिक विद्या के भी अपने जीवन में धारण करना है और आध्यात्मिक जीवन को भी अपने जीवन में धारण करना है। भौतिक विद्या से हम नौकरी कर सकते हैं, धन संपत्ति कमा सकते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को फैला सकते हैं, इससे हमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हम आध्यात्म विद्या को अपने जीवन में धारण करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, आत्मिक सुख मिलेगा। इस कारण से हमें दोनों विद्याओं को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। शांति यदि हमें प्राप्त करना हो तो भौतिक विद्या के साथ साथ
आज का जो समय है उस स्थिति को देखते हुए मानव को आध्यात्म विद्या की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। इस कारण से प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, स्वाध्याय के द्वारा चिंतन मनन और आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे बुद्धि के अंदर क्षमता ही नहीं होगी, तब तक हम कितना भी पढ़े, कितना भी सुने, कितना भी कार्य करें, तो हम अपनी बुद्धि को कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि तो है, लेकिन वह बुद्धि ठूठ बुद्धि रहेगी। उस बुद्धि से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, न लौकिक उन्नति कर सकते हैं, न आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन परब्रह्म का ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, स्वाध्याय करता है, उसी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, वही अध्यात्म और भौतिक क्षेत्र में वही बुद्धि उसको आगे लेकर के जाएगी। इस कारण से सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि प्रतिदिन उठ करके स्वाध्याय करें, ध्यान करें, चिंतन मनन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध खान पान करें। जैसे आजकल जिसको बाजारों में जो वस्तुएं मिलती है खाने के लिए, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन न करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। शरीर जब स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा तो हमारी इंद्रियां भी स्वस्थ रहेगी, जब हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेगी तो बुद्धि भी अपने आप स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ बुद्धि के द्वारा ही हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना जीवन में हम कितना भी प्रयास करें, करोड़ों रुपये खर्च करें, करोड़ों रुपये के विश्वविद्यालय खोल दिया जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य न हो, जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यदि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन आज का वातावरण ऐसा है जिसके प्रताप में, जिसके कारण हमारी जो बुद्धियाँ है वो कम हो सकती है, शक्ति कम हो सकती है, उसके लिए शंख पुष्पी का सेवन करें। दूध के साथ मालकंगनी है, उस के दो चार बूंदे तेल जो है दूध में डाल करके सोने से पहले सेवन कर सकते हैं। और चंद्रप्रभा बटी है, इसके द्वारा भी हम बुद्धि को बढ़ाने में सहायता ले सकते हैं, इसका भी हम सुबह शाम एक एक गोली का सेवन कर सकते हैं। और जो ब्राह्मी जो पत्तियां होती हैं, उसको 10-15 जो पत्तियां हैं सुबह तोड़ करके खाली पेट में नाश्ता से पहले हम खा सकते हैं। इत्यादि क्रियाओं को करने से भी हमारी बुद्धि में शक्ति आएगी, बल मिलेगा, जो हमारा जो कार्य है वो सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धि को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम सबसे उत्तम उपाय है ध्यान, चिंतन, मनन। इसके द्वारा हम अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का मानव, आज के समय पर जो विद्यार्थियाँ होते हैं वो क्या करते हैं, घंटों तो बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका जो मूल लक्ष्य है उससे भटक जाते हैं। यदि अपने मूल लक्ष्य को केंद्र रख करके कार्य करेंगे तो उसे सफलता तो मिलेगी, लेकिन उस सफलता के पीछे किसका हाथ है उसको हमें देखना होगा। जो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड बना हुआ है, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा को जब तक हम अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर विराजमान नहीं करेंगे, उसको अपने अंदर विराजमान नहीं करेंगे, तब तक हम कितने भी प्रयास कर ले, तब तक हमारे बुद्धि जो है सात्विक नहीं हो सकती है, तमोगुण से बुद्धि रहित नहीं हो सकती है, तब तक हमारा जो मन है उस कार्य पर नहीं लग सकता है। जब तक मन उस कार्य में नहीं लगेगा, तब तक बुद्धि कभी भी तेज नहीं हो सकती है। जब तक बुद्धि तेज नहीं होगी, तब तक मनुष्य क्या रहेगा, कामी रहेगा, क्रोधी रहेगा, दुखी रहेगा, छल कपट से युक्त रहेगा, काम क्रोध आदि विकारों में ग्रसित रहेगा। इन संपूर्ण विकारों से रहित होने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा, सोने से पहले भी परमात्मा को याद करके सोना पड़ेगा, सुबह उठते ही सबसे पहले संपूर्ण कार्य को छोड़ करके परमात्मा का ध्यान करना होगा। जितनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, सर्वोत्तम ध्यान का समय होता है सुबह और सोने से पहले। तो कम से कम समय निकाल करके जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, हमारी बुद्धि उतना ही तेज होगी, उतना ही बढ़ेगी, और हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे, उतना ही निरोग रहेंगे, और हम उतना ही बुद्धिमान भी बनते रहेंगे।